हेलो डियर स्टूडेंट्स अपने लास्ट लेक्चर में हमने पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी अब इस वीडियो में हम प्रोनाउन के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं नो द सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नो दैट इज द इंडेफिनेट प्रोनाउन इंडेफिनेट मींस अनिश्चित इंडेफिनेट प्रोनाउन्स में क्या क्या प्रोनाउंस रहते हैं

एवरी वन समी वन नो वन एनी बॉडी सम बॉडी इन इंडेफिनेट प्रोनाउन में से कोई भी प्रोनाउन है तो उसके लिए जो पजेसिव केस हम यूज करेंगे वो क्या होगा हिज उसके लिए जो पजेसिव केस हम यूज करेंगे वो क्या होगा हिज और जो रिफ्लेक्सिव केस का जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या होगा हिमसेल्फ अगर हमें यह ना पता हो कि ये एवरी वन समी वन नो वन एनी बॉडी सम बॉडी ये किसके लिए यूज किया गया है मेल या फीमेल किसके लिए यूज किया गया हमें नहीं पता है तो उस केस में यह अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन सेंटेंस की शुरुआत में है तो उसके लिए पजेसिव केस का प्रोनाउन क्या रहेगा हिज और रिफ्लेक्सिव केस का क्या रहेगा हिमसेल्फ हाँ अगर किसी सेंटेंस में हमें पता है यह सभी इनडेफिनेट प्रोनाउन फीमेल के लिए है विमेन के लिए है तब पजेसिव केस का प्रोनाउन हो जाएगा हर और रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन हो जाएगा हर सेल्फ एज फॉर एग्जाम्पल एज फॉर एग्जाम्पल वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंसेस। आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन एवरीवन वाज डूइंग हिज वर्क मैं रेलवे स्टेशन पर गया हर कोई अपना काम खुद कर रहा था अब इस सेंटेंस में एवरीवन का यूज किया गया है और बात रेलवे स्टेशन की है अब रेलवे स्टेशन पर तो मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, मैन भी हैं, भी हैं। तो यहां एवरीवन से हमें क्लियर नहीं है कि ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए है तो इसलिए एवरीवन के लिए जो पजेसिव केस का प्रोनाउन आया है वो क्या आया है हिज और जो रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन आया है वो क्या आया है हिमसेल्फ क्लियर क्योंकि रेलवे स्टेशन पर हमें पता नहीं है कि एवरी वन मेल के लिए है या फीमेल दोनों के लिए हो सकता है लेकिन अगले सेंटेंस में आई वेंट टू द गर्ल्स एवरी वन वॉज डूइंग हर वर्क हर सेल्फ मैं गर्ल्स कॉलेज में गया हर कोई अपना काम खुद कर रहा था अब जब गर्ल्स कॉलेज के लिए आप एवरी वन यूज कर रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है कि वो गर्ल्स के लिए है फीमेल के लिए है तो इसलिए एवरी वन के लिए पजेसिव केस हमने क्या यूज किया हर और रिफ्लेक्सिव केस हमने क्या यूज किया हर सेल्फ क्लियर सो दिस वॉज अबाउट इनडेफिनेट प्रोनाउन नाउ वी मूव फॉरवर्ड अब देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में इससे संबंधित सेंटेंस जरूर मिलता है <coughs> या तो फिलिंदी ब्लैंक्स के तौर पर या फिर एरर फाइंड आउट के तौर पर वो क्या है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में वन सब्जेक्ट के तौर पर है अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में वन सब्जेक्ट के तौर पर है तो उसके लिए पजेसिव केस क्या रहेगा वंस ओवेनि एपोस्टोफियस और रिफ्लेक्सिव केस जो है वो क्या रहेगा वन सेल्फ अगर वन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है तो उसके लिए पजेसिव केस रहेगा वन और रिफ्लेक्सिव केस क्या रहेगा वन सेल्फ पेपर में वो आपको क्या करके देता है वन के लिए पजेसिव केस वो देता है हिज और रिफ्लेक्सिव केस देता है हिमसेल्फ जैसा कि सेंटेंस में दिया है वन मस्ट डू हिज वर्क हिमसेल्फ लेकिन ये सेंटेंस गलत है इसको सही हम कैसे करेंगे वन शुड डू वन मस्ट डू वन मस्ट डू वन वर्क वन सेल्फ दिस इज द राइट सेंटेंस वन के लिए पजेसिव केस रहेगा वंस और रिफ्लेक्सिव केस क्या रहेगा वन सेल्फ ऐसे ही एक गलत सेंटेंस क्या है वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड वन के लिए वन के लिए पजेसिव केस हिज नहीं होगा वन के लिए पजेसिव केस जो है वो क्या रहेगा वंस ओके okay? तो अब मैंने इन दोनों सेंटेंसिस को सही कर दिया वन के लिए पजेसिव केस वंस क्सिव केस वन सेल्फ और सेकेंड सेंटेंस में भी ऐसा है तो वन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर है तो उसके लिए पजेसिव केस रहेगा वन और रिफ्लेक्सिव केस रहेगा वन सेल्फ नाउ वी मूव फॉरवर्ड नाउ द नेक्स्ट प्रोनाउन द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो वो क्या है ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो वी शेल टॉक अबाउट ईच आइदर नाइदर एवरी और नन ईच मतलब प्रत्येक आइदर दो में से कोई एक नाइदर दो में से एक भी नहीं एवरी प्रत्येक नन कोई भी नहीं है ना अब देखिए ईच ऑफ द टू बॉयज या ईच ऑफ द थ्री बॉयज मतलब ईच को हम दो के लिए भी यूज दो में से प्रत्येक और दो से ज्यादा में से प्रत्येक दोनों के लिए यूज कर सकते हैं ईच का मतलब प्रत्येक दो में से प्रत्येक या दो से ज्यादा में से प्रत्येक दोनों के लिए ईच आ सकता है लेकिन अगर हम आइदर की बात करें आइदर मतलब दो में से कोई एक और नाइदर दो में से एक भी नहीं Either is is used used in in positive sense sense. and neither is used in negative sense. Negative sense. Neither neither negative दोनों ko को हम दो से एक के लिए use करते हैं Either of these two boys, Either को दो में से एक के लिए use करेंगे पॉजिटिव सेंस में और नेगेटिव सेंस में हो तो क्या आएगा नीदर या नाइदर नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स तो दो में से कोई एक either. दो में से एक भी नहीं नाइदर लेकिन दो से ज्यादा में से कोई एक है तो फिर आइदर की जगह हम यूज करेंगे एनी any या एनी वन एनी ऑफ द थ्री बॉयज या एनी वन ऑफ द थ्री बॉयज दो में से कोई एक तो आइदर दो से ज्यादा में से कोई एक तो फिर आइदर को यूज नहीं करेंगे एनी any या एनी वन को यूज करेंगे <coughs> दो में से दो लड़कियों में से एक भी नहीं तो हमने नाइदर यूज किया और दो से ज्यादा में से एक भी नहीं तो नाइदर की बजाय हमने क्या यूज किया नन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यूज ऑफ आइदर नाइदर और दो से ज्यादा में से है तो आइदर की जगह एनिया एनिवन और नाइदर की जगह नन को यूज करेंगे आई होप यू गॉट माई कंसेप्ट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड देन वी टॉक अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोनाउन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम बात कर रहे हैं दिस दैट दीज और दो मीन्स यह दैट मीन्स वह दीज मीन्स ये और दोज मीन्स वो दिस मीन्स यह दैट मीन्स वह दीज मीन्स ये और दोज मीन्स वो इनमें से दिस और दैट को यूज किया जाता है सिंगुलर के लिए दीज और दोज को यूज किया जाता है प्लूरल के लिए आप सुन रहे हैं मेरी बात दिस और दैट फॉर सिंगुलर दीज और दोज फॉर प्लूरल इन द सिमिलर मैनर दिस और दीज दे कैन बी यूज फॉर द थिंग्स विच आर नियर एंड दैट एंड दोज दीज आर यूज फॉर दोज थिंग्स कंपेरिटिवली फार जो दूर हैं उनके लिए दैट और दोज और जो नजदीक हैं उनके लिए दिस और दीज सिंगुलर के लिए दिस और दैट <coughs> और प्लूरल के लिए दीज और अब एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम बात कर लेते हैं द फर्स्ट सेंटेंस द कैपिटल ऑफ इंडिया इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट ऑफ पाकिस्तान

जबकि इंडिया की कैपिटल की तुलना हमें पाकिस्तान की कैपिटल से करनी है राइट right? और या तो हम इसको ऐसे लिखें द कैपिटल ऑफ इंडिया इज मोर ब्यूटिफुल देन कैपिटल ऑफ पाकिस्तान या तो हम ऐसे लिखें लेकिन इंग्लिश में रेपिटेशन गुड मैनर्स में नहीं आता है रेपिटेशन किसी भी नाउन का रेपिटेशन सेम नाउन का रेपिटेशन गुड मैनर्स में नहीं आता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस कैपिटल की जगह इस कैपिटल को रिपीट करने की जगह क्योंकि कैपिटल सिंगुलर है तो उसकी जगह हम क्या यूज कर देंगे दैट यूज कर देंगे इसकी जगह हम क्या यूज कर देंगे दैट क्लाइम कैपिटल की जगह हमने क्या यूज कर दिया दैट क्योंकि कैपिटल सिंगुलर है तो सिंगुलर की जगह क्या आ गया दैट

दिल्ली की गलियों से चोरी है स्ट्रीट्स प्लूरल है तो उसके लिए जो प्लूरल प्रोनाउन आया है अब तो क्या है नाउन उसके लिए जो प्लूरल प्रोनाउन है वो हमने क्या यूज किया है होटल्स ऑफ इंडिया होटल्स फिर प्लूरल है द होटल्स ऑफ इंडिया आर मोर लग्जूरियस देन दोज ऑफ पाकिस्तान इंडिया के जो होटल्स हैं, वो पाकिस्तान के होटल से ज्यादा सुख सुविधाओं से भरे हुए हैं तो ये जो नाउन है होटल ये प्लूरल है तो उसके लिए जो प्रोनाउन है वो भी हमने प्लूरल ही यूज किया है राइट right? तो सिंगुलर के लिए दैट है और प्लूरल के लिए जो प्रोनाउन यूज किया है वो क्या है दोज है इस तरह के सेंटेंसेस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस सेंटेंसेस नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन <laughs> देखिए जैसा कि नाम से ही क्लियर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्स हम एक गेंद को दीवार पे जितनी से, जितनी जोर से देके मारते हैं उतनी ही तेजी से वो वापिस आती है तो गेंद का वो वापिस आना वो एक रिफ्लेक्सिव एक्शन है तो कर्ता के द्वारा किए गए काम का असर जब वापिस कर्ता पर पड़ता है तो वो दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या है माई सेल्फ वी के लिए आर सेल्स, यू आपको पता है कि यू जो है वो हम सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं तो यू के लिए सिंगुलर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो योर सेल्फ और जो प्लूरल प्रोनाउन है वो क्या है योर सेल्फ ही के लिए हिमसेल्फ शी के लिए हर सेल्फ इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन में हमने सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस के प्रोनाउन की बात की थी यहां पर हम इन पर्सनल प्रोनाउन के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उस टेबल की बात कर रहे हैं आई के लिए माई सेल्फ वी के लिए आर सेल्फ यू के लिए यॉर सेल्फ याल्फ ही के लिए हिमसेल्फ शी के लिए हर सेल्फ इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए डेम सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है नाउ द यूज ऑफ दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउम देखिए देखिए कुछ वर्ब्स हैं एंजॉय प्राइड एबसेंट इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस चीट चीट धोखा देना सेटिस्फाई बिजी एक्विट बरी कर देना avail फायदा उठाना रिकनसाइल समझौता या संधि करना मनोरंजन करना अवेंज बदला लेना exert, मेहनत करना, अप्लाई लागू करना एडेप्ट अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढाल लेना एडजस्ट कर लेना प्राइड रिजाइन मतलब समर्पित कर देना अगर ये वर्ब्स सेंटेंस में हैं, तो इन वर्ब्स के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं इन वर्ब्स के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं देखिए एज फॉर एग्जाम्पल शी हैज रिकनसाइल्ड हर सेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ हर लॉज कि उसने अपने आप को अपने लॉज की डिमांड्स के अनुसार समझौता और संधि कर ली है तो आप देख रहे हैं रिकनसाइल्ड जो वर्ब है उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी तुम्हें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए आप देख रहे हैं अवेल जो वर्ब है उसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है शी इंट्रोड्यूज हर सेल्फ टू द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस्ड वर्ब के बाद फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ये वो वर्ब हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं then after that moving forward then we talk about ki ये जो verbs हैं keep stop turn qualify bat move rest hide इन verbs के बाद reflexive pronoun का use नहीं करते हैं अभी जो पहले verbs हमने बताई थी उनके बाद reflexive pronoun use करते हैं लेकिन ये जो वर्ब है कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई बेथ बेथ मतलब स्नान करना मूव रेस्ट हाइड इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बेड बॉयज तो इसको ठीक कैसे करेंगे यहां पर हम योर सेल्फ का यूज नहीं करेंगे यू शुड कीप अवे फ्रॉम बेड बॉयज ही हिट हिमसेल्फ इन द रूम हाइड की सेकेंड फॉर्म है हिट <coughs> इसमें हम हिट के बाद हिमसेल्फ का यूज नहीं करेंगे तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं यूज नहीं करते हैं नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर जब तक नहीं करेंगे जब तक उससे संबंधित कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज वहां पर नहीं हो मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं किसी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर तब तक नहीं करेंगे जब तक उससे संबंधित नाउन या प्रोनाउन का जिक्र नहीं किया गया हो जैसे ये सेंटेंस है बात को समझिए माई सेल्फ रमेश फ्रॉम डेली क्या इस सेंटेंस में माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या इससे संबंधित किसी नाउन का जिक्र यहां पर किया गया है क्या इससे संबंधित किसी प्रोनाउन का जिक्र यहां किया गया है नहीं ना तो इसलिए इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे माई सेल्फ से हम शुरू नहीं करेंगे हम क्या कहेंगे आई एम रमेश फ्रॉम डेहली किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर जब तक नहीं करेंगे जब तक उससे संबंधित किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में नहीं किया गया हो तो यहां माई सेल्फ नहीं आएगा मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर नहीं आता माई सेल्फ की बजाय हम क्या कहेंगे आई एम रमेश फ्रॉम टेली योर सेल्फ एंड ही रीज देयर इन टाइम क्या यूर सेल्फ से संबंधित कोई नाउन या प्रोनाउन यहां पर है नहीं है तो इसको हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं कर सकते योर सेल्फ की बजाय हम क्या यूज करेंगे यू यू एंड ही रीज देयर इन टाइम नेक्स्ट सेंटेंस रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ क्या सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उससे संबंधित किसी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र यहां किया गया है नहीं तो इसलिए यहां पर माई सेल्फ नहीं आएगा मी आएगा रोहित विल डू दिस वर्क फॉर मी ओके तो

किसके लिए चाइल्ड इंफांट और बेबी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या रहेगा इट्स सेल्फ द बेबी हैज हर्ट इट्स सेल्फ तो बेबी के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया गया है वो क्या है इट सेल्फ ये ध्यान रखेंगे आप नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट नाउ एम्फेटिक प्रोनाउन देखिए ये जो सेल्फ और सेल्फ वाले प्रोनाउन हैं यही एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर भी काम करते हैं लेकिन जब कर्ता के कार्य का असर वापिस कर्ता पर पड़ता है तब तो यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है लेकिन जब इनका यूज सेल्फ और सेल्स वाले प्रोनाउन का यूज इमीजिएट सब्जेक्ट के बाद किया जाता है सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालने के लिए तब ये एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर काम करते हैं देखिए ये जो वर्ड है एम्फेटिक दिस इज टेकन फ्रॉम दिस वर्ड एम्फेसिस दिस इज टेकन फ्रॉम दिस वर्ड एम्फेसिस और एम्फेसिस क्या होता है किसी चीज को एम्फेसाइज करना जोर डालना उसके ऊपर तो एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज इमीजिएट सब्जेक्ट के बाद किया जाता है सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालने के लिए इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं जैसे मैं ये कहूं यू योर सेल्फ विल गो टू डिपोजिट मनी इन द बैंक एक तो मैं कहूं यू विल गो टू डिपोजिट मनी इन द बैंक यू विल गो टू डिपोजिट मनी इन द बैंक तुम बैंक में पैसा जमा कराने जाओगे तो हो सकता है आप किसी और को भेज दे लेकिन जब मैं यू के ऊपर जोर देते हुए यह कहता हूं यू यूर सेल्फ विल गो टू डिपोजिट मनी इन द बैंक तो यहां मैंने यू को एम्फेसाइज कर दिया यूर सेल्फ के माध्यम से तो यूर सेल्फ जो है वो यहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज

का यूज इमीजिएट सब्जेक्ट के बाद है सब्जेक्ट को एम्फेसाइज कर रहा है तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है शी हर सेल्फ लाइक हिम एम्फेटिक प्रोनाउन है सो दिस वॉज अ यूज ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन आई हैव एक्सप्लेन दैट वेरी क्लियरली नाउ वी शेल टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही क्लियर है रिलेट करना रिलेट जोड़ना मतलब वो प्रोनाउन जो कि रिलेट करने का काम करता है रिलेट मतलब जोड़ने का काम करता है सेंटेंस सेंटेंस के दो पार्ट्स को या दो सेंटेंसेस को जो आपस में जोड़ने का काम करता है वो रिलेटिव प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के तौर पर है रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से है हुम Who, हुआ दैट हुट यह रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर है दिस इज द बॉय हु ग्लास देखिये एक रिलेटिव प्रोनाउन है यहां पर हु और एक क्या है विच दिस इज द बॉय हु ब्रोक द ग्लास इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हु द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है विच एक बात तो आप ध्यान रखें कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से इमीजिएट पहले यूज किए गए नाउन के लिए यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से इमीजिएट पहले यूज किए गए नाउन के अनुसार आता है एक बात दूसरी बात ह्यूमन बींग के लिए ंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं हु और किसी वस्तु के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं विच मैंने क्या कहा ह्यूमन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं हु और किसी वस्तु के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करते हैं विच द बॉय दिस इज द बॉय ये ह्यूमन बींग है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हमने क्या यूज किया हु दिस इज द बॉय हु ब्रोक द ग्लास ये वो लड़का है जिसने कांस तोड़ा बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन वो बुक जो टेबल पर है वो मेरी है बुक निर्जीव है तो उसके लिए क्या आया विच तो हू और विच यहां रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर है हुन बींग के लिए और विच वस्तु के लिए लेकिन एक रिलेटिव प्रोनाउन है दैट जो ह्यूमन बींग के लिए भी आ सकता है और दैट जो है वो वस्तु के लिए भी आ सकता है मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो ह्यूमन बीइंग के लिए भी आ सकता है और वस्तु के लिए भी आ सकता है मतलब ये हुआ कि दैट को हम हु की जगह भी यूज कर सकते हैं और दैट को हम विच की जगह भी यूज कर सकते हैं सो दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस ह्यूमन बीइंग के लिए हु और वस्तु के लिए हम विच को यूज करते हैं नाउ देयर आर सम वर्ड्स ओल ओनली नन द सेम एवरीथिंग नथिंग

अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं तो वो क्या है दैट इन सभी वर्ड्स के बाद अगर इनका यूज सेंटेंस में है और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज करना है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज होगा दैट नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीड मेरे फादर ने मुझे हर कुछ वो दिया है जिसकी मुझे जरूरत है देखिए एवरीथिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आया है दैट। दिस इज पेन, दिस इज द ओनली पेन दैट आई बोट यस्टरडे ओनली के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या आया है दैट माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई गेव हर द लिटिल के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमने क्या यूज किया दैट दिस इज द सेम मैन दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव मी देना. द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमने क्या यूज किया दैट तो एवरीथिंग के बाद द ओनली के बाद द लिटल के बाद द सेम के बाद आप देख रहे हैं कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज किया है दैट नाउ मूव फॉरवर्ड सम मोर examples. मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन That I have ever seen. Mr. Mishra, जो है वो सबसे मेहनती आदमी है जो मैंने कभी देखे हैं तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं laborious, laborious मतलब है, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमने क्या यूज किया दैट ऑल दैट आर इंटरेस्टेड कैन स्टार्ट नाउ ऑल के बाद फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है दैट ऑल द मनी ऑल के बाद फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है दैट ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड वो सब जो चमकता है वो सोना नहीं है ऑल के बाद रिलेटिव प्रोनाउन फिर हमने क्या यूज किया दैट सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हमने क्या यूज किया दैट नाउ वी मूव फॉरवर्ड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु इज यूज फॉर सब्जेक्ट एंड हु फॉर ऑब्जेक्ट दोबारा सुनिए मेरी बात रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु को यूज करेंगे सब्जेक्ट के लिए और हुम को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए एग्जाम्पल्स द बॉय हु केम यस्टडे वॉज राहुल्स ब्रदर्स वो लड़का जो कल आया वो राहुल का भाई था मैंने कहा हुजेक्ट के लिए और हु ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हु और यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हूम द बॉय हुडे वाज राहुल ब्रदर द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे वॉज राहुल्स ब्रदर पहले सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हु और अभी मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से इमीजिएट पहले आए हुए नाउन के अनुसार यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से इमीजिएट पहले आए हुए नाउन के लिए यूज होता है अब हमने यह देखना है कि यह दाब वाय यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है राइट right? हमें यह देखना है अगर यह सब्जेक्ट होगा तो यह आएगा और अगर यह ऑब्जेक्ट होगा तो यहां आएगा लेट्स एनालाइज। इस सेंटेंस के इस पार्ट को देखो द बॉय हु वो लड़का जो कल आया सेंटेंस के इस पार्ट में वर्ब क्या है वर्ब है केम वर्ब क्या है came, came मतलब आया आना ये आने की क्रिया यहां किसने की बुआई ने सेंटेंस के इस पार्ट में वर्ब क्या है केम के मतलब आना ये आने की क्रिया किसने की बुआई ने तो जो क्रिया करता है जो एक्शन करता है वो क्या है सब्जेक्ट तो बुआई यहां पर सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है तो सब्जेक्ट के लिए क्या यूज होगा रिलेटिव प्रोनाउन हु हमने ये सिद्ध कर दिया कि बुआई यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है तो सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा हु नेक्स्ट द बॉय हुई मेट वो लड़का जिसे मैं कल मिला अब रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा किसके अनुसार आता है अपने से पहले आए हुए नाउन के अनुसार आता है रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से इमीजिएट पहले आए हुए नाउन के अनुसार आता है तो हूम किसके लिए यूज किया गया यहां बॉय के लिए अब हमने सिद्ध करना है कि बॉय हमने एनालाइज करना है कि बॉय द बॉय यहां पर सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है तो करते हैं द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे वो लड़का जिसे मैं कल मिला सेंटेंस के इस पार्ट में वर्ब क्या है मेट वर्ब क्या है मेट मिलना मिलने की क्रिया किसने की आई ने तो आई क्या है सब्जेक्ट वो लड़का जिसे मैं मिला मिलने की क्रिया किसने की आई ने आई क्या है सब्जेक्ट और आई किससे मिला बॉय से तो बॉय क्या है ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा whom. तो हुए सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु है और ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हुम है सेंटेंस के इस पार्ट में वर्ब है met. मिलने की क्रिया आईने की तो आई सब्जेक्ट है आई बॉय से मिला द बॉय ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हुम आया आई होप यू गोट माई कंसेप्ट माई डियर फ्रेंड्स इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन प्लीज ट्सएप मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर सेवन टू जीरो सिक्स टू जीरो नाइन फाइव सिक्स टू सेवन टू जीरो सिक्स टू जीरो नाइन फाइव सिक्स टू आई विल जस्ट सेटिसफाई याउ मुविंग फॉरवर्ड नाउ वी शिल टॉक अबाउट इंटेरेगेटिव प्रोनाउम प्रश्नवाचक इंटेरेगेटिव प्रोनाउन हुम हुआ दैट आप देख रहे हैं ज्यादातर वही है रिलेटिव प्रोनाउन वाले लेकिन जब इनका यूज सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ने के लिए किया जाए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है जब इनका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो ये इंटेरेगेटिव प्रोनाउन है तो इंटेरेगेटिव प्रोनाउन के तौर पर देखिए हु एट द डोर जो आप किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में पूछ रहे हैं तो इंटेरेगेटिव प्रोनाउन क्या रहेगा जब किसी ह्यूमन बींग के बारे में पूछ रहे हैं तो इंटेरेगेटिव प्रोनाउन क्या रहेगा हु इज नोकिंग एट द डोर लेकिन जब किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं तो इंटेरेगेटिव प्रोनाउन क्या रहेगा विच विच इज योर पेन लेकिन अगर इंटेरेगेटिव सेंटेंस है और चुनाव और विकल्प का बोध है मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं अगर इंटेरेगेटिव सेंटेंस है चुनाव और विकल्प का बोध है तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी और वस्तु के लिए भी इंटेरेगेटिव प्रोनाउन विच का यूज होगा इंटेरेगेटिव सेंटेंस है चुनाव और विकल्प का बोध है तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी और वस्तु के लिए भी इंटेरेगेटिव प्रोनाउन विच का यूज होगा देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अपनी बात को ट करने के लिए विच ऑफ यू इज गोइंग टू बैट फर्स्ट तुम में से कौन बैटिंग करने जा रहा है इंटेरेगेटिव सेंटेंस है ऑफ ऑफ यू इज गोइंग टू बैट फर्स्ट साइन और चुनाव या विकल्प का बोध है भी तुम में से कौन पहले बैटिंग करने जा रहा है यहां विकल्प है चुनाव है तो ह्यूमन बींग के लिए भी इंटेरेगेटिव प्रोनाउन क्या आया है विच विच बुक डू यू लाइक मोस्ट इंटेरेगेटिव सेंटेंस है और चुनाव और विकल्प का बोध है कौन सी बुक तुम्हें सबसे अच्छी लगी इंटेरेगेटिव सेंटेंस है चुनाव और विकल्प का बोध है तो भी इंटेरेगेटिव प्रोनाउन के तौर पर वस्तु के लिए हमने क्या यूज किया विच ह्यूमन बींग के लिए भी विच और वस्तु के लिए भी विच क्यों क्योंकि इंटेरेगेटिव सेंटेंस है और चुनाव और विकल्प का बोध है नाउ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वट वट यू डोंट नो सचिन क्या तुम सचिन को नहीं जानते सडन सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए वट रेसिप्रोकल रेसी प्रोकल प्रोनाउन दो हैदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो है इचादर और वन अनादर दो है, each other one another. के लिए इचदर और दो से ज्यादा के लिए वन अनादर द टू ब्रदर्स क्वेल्ड विद ईच अदर दो भाई आपस में लड़ पड़े दो के लिए ईच अदर द फोर ब्रदर्स द्रदर्स विद वन अनदर चार भाई आपस में लड़ पड़े तो दो से ज्यादा के लिए वन अनदर और दो के लिए ईच अदर तो ईच अदर वन अनदर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर है <coughs> देखिए तो दीज वर सम टाइप्स दीज वर ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमने डिस्कस किया उनसे संबंधित जो मेन कंसेप्ट हैं वो हमने यहां पर बात की तो माई डियर स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल टॉक अबाउट सम अदर कंसेप्ट ऑफ प्रोनाउन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्लीज लाइक इट शेयर इट And if you have not subscribed, then please subscribe my channel, Tile Academy Jing. Thank you. Thanks a lot.